अगर आप YouTube में वीडियोस बनाते हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो आपको पता ही होगा YouTube में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ती ही पड़ती है, जैसे ट्राइपॉड हो गया, माइक हो गया या लैपटॉप हो गया। इन सभी से ज़्यादा बेसिक चीज़ जो है वो ट्राइपॉड और माइक है, बिना इसके वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ट्राइपॉड और माइक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, कई सारे फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्राइपॉड मिलते हैं, और माइक भी जो है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे लेवलर माइक हो गया या फिर शॉटगन माइक हो गया। तो मेरे पास ये ट्राइपॉड है, ये फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, और एक ये माइक है जो कि बो या B1 MM1 माइक है। और प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि इस ट्राइपॉड में, इसके माउंट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें मैं इसको माइक को इसमें अटैच कर पाऊँ, क्योंकि इसके पीछे से स्क्रू है लेकिन ऊपर की तरफ से कोई भी स्क्रू नहीं है। इसके आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, तो ये स्क्रू इसमें लगा तो मैं सकता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रू का होल नहीं है जो मैं स्क्रू इसमें फिट कर दूँ। तो कुछ जुगाड़ है जो मैं इसमें लगाने की सोच रहा हूँ, और आप लोगों को ही बताऊँगा कि इसमें जुगाड़ कैसे लगा सकते हैं। और अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि माइक आप इस माउंट में कैसे अटैच कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको इस माइक को इस ट्राइपॉड में अटैच करने के लिए क्या करना होगा, इस माइक का जो ये पार्ट है डेडिकेट वाला पार्ट, इसको अलग कर देना होगा। ऐसे अलग कर दो और सिर्फ ये अपने पास रखो, क्योंकि अगर डेडिकेट अटैच करके आप इस पर कुछ जुगाड़ करते हो तो मतलब काफ़ी हैवी पड़ जाएगा और उसमें लोड भी रहता है, तो ऐसे में जो है ये अच्छे से पकड़ नहीं बना पाएगा। तो इसको आप अलग कर लो और ट्राइपॉड से भी आप जो है माउंट को अलग कर लो। ये ट्राइपॉड से मैंने निकाला है माउंट, और ये मैंने जो है स्टैंड, जो माइक का स्टैंड होता है, वो मैंने अलग कर लिया है। तो आपको करना क्या है, इसको पहले आप ऊपर कर लीजिए ताकि आप जब इसे चिपकाने की कोशिश करें तो ये इसके साथ अटैच ना हो जाए, क्योंकि अगर ये चिपक गया तो फिर ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको तीसरी चीज़ चाहिए होगी जो कि है फेविक्विक। तो मेरे पास तो ये है तो मैं इससे ही काम चलाने वाला हूँ। अगर आपके पास फेविक्विक है तो आप फेविक्विक से भी काम कर सकते हो। तो माउंट का जो ये वाला पोर्शन है जो खुलता है ऊपर की साइड, इसके ऊपर भी आपको गम लगा देना है। अब आप फेविक्विक लगाएं या कुछ भी लगाएं, उससे कोई भी लेन देन नहीं है। जिससे आपको लगता है कि अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा वो आप इसके ऊपर लगा दें। माउंट के ऊपर सॉल्यूशन लगा देने के बाद कोशिश करिएगा कि इस वाले स्टैंड के नीचे भी आप सॉल्यूशन लगा दें, ताकि अच्छे से ये पकड़ बना ले। तो अगर स्क्रू होता तो वो तो सबसे अच्छी बात हो जाती, लेकिन हमको अभी गम से ही काम चलाना पड़ेगा। और गम लगाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि गम जो है वो दूसरी तरफ ना चल जाए, यानी कि माउंट की उस तरफ ना चल जाए, क्योंकि अगर माउंट के उस तरफ चले गया तो माउंट खुलना काफ़ी टफ हो जाएगा। और कोशिश करिएगा जो ये माइक का स्टैंड है ये बीचों बीच रहे, क्योंकि अगर बीचों बीच रहेगा तो काफ़ी अच्छी पकड़ ये बना लेगा। ये लगाने के बाद को अच्छे से पुश करें, लेकिन इसकी जो जगह है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा एंगल ही टेढ़ा हो जाएगा। और थोड़ी देर इसको पुश करिएगा इस तरीके से, ताकि ये थोड़ी अच्छी पकड़ बना पाए। लग तो रहा है कि थोड़ा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि अभी से इसने पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी है और एकदम परफेक्ट बन गया है। और माइक के इस स्टैंड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप इसके ऊपर जब माइक लगाओगे, डेड कैट लगाओगे, और जो इसका माइक होता है वो यहाँ पर आप अटैच करोगे, तो अगर सॉल्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो वो गिर सकता है, क्योंकि उसका लोड काफ़ी होता है। तो अभी जो है ये काफ़ी हद तक थोड़ा सेट तो हो गया है, लेकिन इसको थोड़ी देर में सूखने दूंगा। माइक को माउंट में अटैच करने के बाद ये ज़रूर देख लीजिएगा कि माउंट जो है आपका खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, क्योंकि कई बार फेविक्विक आपकी इस पर भी लग सकती है, जिससे ये स्ट्रेचेबल नहीं हो पाएगा और ये आपके व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और ये जो स्क्रू है, स्क्रू को भी चेक कर लीजिएगा। तो भाई ये देखो, ये माइक का स्टैंड जो है वो माउंट में अच्छे से अटैच हो गया है। ये देखो, बढ़िया से अटैच हो गया है। और इसमें जो आपको सफ़ेद सफ़ेद लेयर दिखाई दे रही है, आप चाहे तो रेगमार से इसे हटा सकते हैं, या फिर नहीं बैठाओगे तो चल जाएगा, लेकिन दिखने में थोड़ा भद्दा लगता है, तो आप अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अभी कुछ इस तरीके से माउंट के साथ ये माइक का अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अभी इसको ना प्रॉपर अटैच करके देखते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। तो ये इसमें माइक अटैच हो गया है, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि वेट बढ़ सकता है, तो इसका वेट जो है काफ़ी हैवी होता है। अभी इसके ऊपर डेड कैट भी लगेगा तो इसका वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, इसीलिए कोशिश करिएगा
कि इसको आप अच्छे से सॉल्यूशन दे पाएँ और ये अच्छे से जो है पकड़ बना सके, क्योंकि लोड इनका ही होता है, इसका कुछ भी लोड नहीं होता है। तो इसमें भी डेड कैट लगा के देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। तो डेड कैट के साथ अटैच करके ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और अभी इसमें ट्राइपॉड भी अटैच करके देखते हैं, फिर पता लगेगा असली में कि ये कितना लोडेड है और कैसा दिखाई दे रहा है। सो गाइस, फाइनली जो है माइक मैंने माउंट में अटैच कर लिया है और कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो सेटअप है वो ऐसा दिखाई दे रहा है माइक के साथ, और अच्छे से अटैच हो गया और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बनाया, मतलब एकदम बढ़िया हो गया। आपको कोल्ड शू माउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये जुगाड़ करके भी अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देख सकते हो आप, इतना हिलाने के बावजूद भी नहीं निकल रहा है। तो अगर आप थोड़ा और देर तक सॉल्यूशन को रखना चाहते हैं धूप में या हवा में, तो आप रख सकते हैं। बाकी मेरा तो सॉल्यूशन फटाफट हो गया। आप यहाँ पे अपना फ़ोन अटैच कर सकते हैं और उसके बाद व्लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे तो माइक अटैच करने के लिए आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन काफ़ी सारे कोल्ड शू माउंट मिल जाएंगे, जो कि 150-200 या इससे ऊपर वाली रेंज में भी आते हैं। और कई सारे माउंट ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले से ही कोल्ड शू माउंट लगा हुआ होता है, लेकिन वो थोड़े महंगे आते हैं। लेकिन आपका बजट अगर कम है तो आप इस तरीके से जुगाड़ भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और अब जो YouTube चैनल बना रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए शायद यूज़फुल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।